उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर को धंसी स्थिल कियारा टनल में आठवें दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोबारा शुरू हो गया है। टनल का करीब 60 मीटर हिस्सा धंसने से इसमें 41 लोग फंसे हुए हैं। पिछले 7 दिन में रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें और 3 प्लान फेल हो चुके हैं। नई रणनीति के तहत 8 एजेंसियां NHIDCL और BRO, RVNL, ONGC, NDRF, SDRF, PWD और ITBP एक साथ 5 तरफ से ड्रिलिंग करेंगी। सिकलियारक में से 150 मीटर आगे 3 पॉइंट पर 3 दिशाओं से ड्रिलिंग करने के लिए BRO ने शनिवार 18 नवंबर को रात भर पेड़ों को काटकर मशीनों के लिए सड़क बनाने का काम शुरू किया। यहां पर हॉरिजेंटल ड्रिलिंग के लिए हॉलैंड से मशीनें मंगाई गई हैं और इसी के साथ ही आज इनके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे के बाद से रुकी ड्रिलिंग शनिवार को भी नहीं रोकी गई।